हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे में। दोस्तों, आज है 14 अक्टूबर 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं, साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा, साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मीरा मोहंती को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में मीरा मोहंती को नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि मीरा मोहंती जो है हिमाचल प्रदेश कैडर की 2005 बैच की IAS अधिकारी हैं, जो कि फिलहाल PMO में निदेशक हैं। उसको बात करें रितेश चौहान को हाल ही में जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO नियुक्त किया। रितेश चौहान को हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO नियुक्त किया गया है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार किसके अध्यक्ष बने हैं? तो यह अध्यक्ष बने हैं भारत पे के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार भारत पे के अध्यक्ष बने हैं। रजनीश कुमार कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक रणनीतियों को परिभाषित करने में जो है शामिल होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च की है जर्मनी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जर्मन रेल ऑपरेटर डॉयचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हेम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन जो है लॉन्च की है। ये ट्रेन जो है दिसंबर 2021 से यात्रियों को ले जाने में जो है शुरू कर देगी। दोस्तों, यहाँ पर बात किया गया है जर्मनी का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैप में, तो ये है जर्मनी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है जो कि पोलैंड से पश्चिम और फ्रांस से जो है पूर्व में स्थित है। इसकी कैपिटल है बर्लिन और वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर और इसके चांसलर हैं एंजेला मर्केल। और जर्मनी का करेंसी है यूरो। देखिएगा, यूरो जो है जर्मनी का करेंसी है। तो अगला प्रश्न है, जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने न्यायमूर्ति अकील कुरैशी को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया है। आपको बता दूँ कि अकील कुरैशी जो है न्यायमूर्ति इंद्रजीत महांती का जगह लेगा, जो कि त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। देखिएगा, अकील कुरैशी जो है न्यायमूर्ति इंद्रजीत महांती के जगह लेंगे, जो कि त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अमित खरे को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। झारखंड कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे को जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि इसकी मंजूरी जो है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दे दी है। 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे जो है 30 सितंबर को ही उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर्ड हुए हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस
आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है? तो बराबरी कर ली है अपना 70वां गोल करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने 70वां गोल करके जो है ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले की इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। आपको बता दूँ कि हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में नेपाल के खिलाफ जो है मैच में सुनील छेत्री ने यह कारनामा किया है। छेनी ने अपने 127वें मैच में इंटरनेशनल मैच में जो है करियर का 70वां गोल किया है, जबकि पेले जो है इतना ही गोल 92 मैचों में किया है। दोस्तों यह है आज यानी 14 अक्टूबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, विश्व गाठिया दिवस यानी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, जिन्हें पहला है 12 अक्टूबर, दूसरा है 10 जनवरी, तीसरा है 25 मार्च, चौथा है 20 जुलाई। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निम्न से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको इन आज का 7 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, मीरा मोहंती। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार किसके अध्यक्ष बने हैं? तो यह अध्यक्ष बने हैं भारत पे के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, निम्न से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है? तो इससे लॉन्च की है जर्मनी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, जस्टिस अकील कुरैशी को किस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया है राजस्थान हाईकोर्ट का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार निम्न से किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है अमित खरे का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी कर ली है? तो बराबरी कर ली है 70वां गोल करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।